बोतल बंद पानी के दिन बहुत आए हैं। पहले लोग अपने साथ पानी की बोतल लेकर नहीं चलते थे, लेकिन लगभग हर हिंदू परिवार में पानी का एक कलश या कोई दूसरा बर्तन जरूर होता था जिसमें पानी भरा होता था, गंगा जल। पीढ़ियां गुजर गई ये देखते देखते कि हमारे घरों में गंगा का पानी रखा हुआ है, किसी पूजा के लिए, चरोड़ा नृत्य में मिलने के लिए, मृत्यु नजदीक होने पर दो बूंद मुंह में डालने के लिए जिसमें कि आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। मिथक कथाओं में, वेद पुराण रामायण महाभारत सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कोलकाता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। हिमालय की कोक गंगोत्री से निकली गंगा हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती है। इस सफर में गंगा के जल में कुछ खास लवण और जड़ी बूटियां घुल जाती हैं, जिससे गंगा जल अन्य पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा शुद्ध और औषधीय गुण से परिपूर्ण हो जाता है। गंगा नदी के जल की अपनी जैविक संरचना है जिसमें वह खास तरह के लवण घुले होते हैं जो कुछ किस्म के जीवाणुओं कीटाणुओं को पनपने देते हैं, कुछ को नहीं। वैज्ञानिक शोध में पता चला है गंगा जल में ऐसे जीवाणु हैं जो सड़ने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं, इसलिए यह पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। उनके मुताबिक गंगा जल में बैक्टीरिया फोर्स नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। यह पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवचन्य पदार्थों को खाता रहता है, इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। गंगा के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा है इसलिए यह खराब नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ भू रासायनिक क्रियाएं भी गंगा जल में होती रहती हैं, जिससे इसमें कभी कीड़े पैदा नहीं होते। यही कारण है कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है और इस नदी के पानी को अमृत समान माना जाता है और प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर से बहुत से लोग, इतना ही नहीं कई विदेशी लोग भी गंगा नदी की पवित्रता को देखने के लिए आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।